हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल। क्रिप्टो के मार्केट में वी चैन कोई नया एडिशन नहीं है, सो क्या इससे इसका फ्यूचर ब्राइट और ग्लोरियस हो जाता है? आओ देखते हैं। जनरली वी चैन के प्रोजेक्ट को 2015 में क्रिएट किया गया था और 2016 में यही प्रोजेक्ट ऑपरेशनल भी हो गया था, लेकिन लोगों का वी चैन में जेन्युइन इंटरेस्ट 2018 से शुरू हुआ और ये वही टाइम था जब वीचैन का टोकन वेट को लॉन्च किया गया था वेरियस पब्लिक प्लेटफॉर्म पे। जब से वीचैन प्रोजेक्ट ने इंडस्ट्रियल सप्लाई में अपना इन्फ्लुएंस जमाया है, तब से इसने बहुत सारे इन्वेस्टर को अपने तरफ अट्रैक्ट किया है और इसी वजह से ये सवाल उठ के आता है, क्या वीचैन का फ्यूचर अच्छा है? क्या वीचैन हमें फ्यूचर में प्रॉफिट देगा? सो ये सब चीज जानने के लिए हमको सबसे पहले ये जानना होगा कि आखिर वीचैन है क्या। व्हाट इज वीचैन? देखो, वीचैन एक ब्लॉकचेन नेटवर्क है जो चाहता है एसेट्स को डिजिटाइज कर देना ताकि एसेट दोनों तरफ से अवेलेबल हो, फिजिकल भी और डिजिटाइज भी। और इसके लिए वीचैन ऑफर करता है अपने यूजर्स को किसी भी प्रोडक्ट को ट्रेस करना और उसके ट्रैकिंग को और ज्यादा इंक्रीज करना, और इस चीज की हेल्प से वो ट्रांसपेरेंसी बिल्ड करना चाहता है कंज्यूमर्स और सप्लायर्स के बीच में, ताकि कंज्यूमर्स को ये पता हो कि आपका प्रोडक्ट कहां से आ रहा है, किस तरह से आपके प्रोडक्ट को हैंडल किया गया है आपके पास पहुंचने से पहले, और क्या जो प्रोडक्ट आपको मिल रहा है वो एक ऑथेंटिक प्रोडक्ट है। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट ऐसी क्या प्रॉब्लम्स है जिसको वीचैन आज के टाइम में सॉल्व कर रहा है। वीचैन अपने यूजर्स को एक्सेस देता है कि आप अपने प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग से लेकर आपके पास पहुंचने तक सब कुछ ट्रेस कर सकते हो, और इस ट्रैकर की हेल्प से आप अपने प्रोडक्ट को मॉनिटर कर सकते हो जब तक कि आपका प्रोडक्ट आपके पास नहीं पहुंच जाता। वीचैन एक ऐसा टूल के जैसे काम आ सकता है जो डिक्रीज कर देता है सप्लायर्स और कंज्यूमर्स के बीच के बैरियर्स को, और इस बैरियर्स की वजह से जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है उनको मिलियंस ऑफ डॉलर्स का लॉस होता है एवरी ईयर, और एक एस्टिमेट के हिसाब से 2.3 ट्रिलियन डॉलर का लॉस को बचाया जा सकता है वीचैन के हेल्प से। और वीचैन के हेल्प से आप किसी भी प्रोडक्ट को पूरे लाइफ साइकिल के लिए ट्रेस कर सकते हो कि किस तरीके से ये प्रोडक्ट को बनाया गया है, उसकी पैकेजिंग किस तरीके से की गई है, कैसे आप तक उसको पहुंचाया गया है, और यही ट्रांसपेरेंसी और ज्यादा इम्प्रूव कर देगी कंपनी के प्रोडक्ट को इनहेंस करने में। और अब बात करते हैं क्या प्राइस प्रिडिक्शन हो सकती है इसकी 2021 में। देखो, वीचैन को अगर क्रिप्टो मार्केट के हिसाब से देखा जाए तो वीचैन क्रिप्टो मार्केट में बहुत नया प्रोजेक्ट है और इसके वजह से इसके बढ़ने के चांसेस बहुत ज्यादा है। 2018 के लॉन्च के बाद वीचैन ने अभी तक बहुत अच्छा खासा ग्रोथ दिखाया है। वीचैन को ज्यादा दिन नहीं हुए किसी भी एक्सचेंज में लिस्ट हुए। 2018 में जब इस करेंसी को लॉन्च किया गया था तो ये ट्रेड कर रहा था 0.02 डॉलर से लेकर 0.026 डॉलर के बीच में, और वीचैन को बहुत कम टाइम लगा इस लेवल को तोड़ के एक अच्छे लेवल पे ट्रेड करने के लिए। और अगर हम आज की डेट की बात की जाए जहां मार्केट पूरा डाउन है, उस टाइम में भी ये ट्रेड कर रहा है 0.106 डॉलर पे, और अगर इंडियन करेंसी में बात की जाए तो लगभग 8 से 9 रुपए के बीच में ये ट्रेड कर रहा है। और अगर इसके हिस्टोरिकल डेटा और फंडामेंटल्स को देखकर बात की जाए तो ये बहुत ज्यादा पॉसिबल हो जाता है कि इस साल के आखिरी तक ये ट्रेड करेगा बिटवीन 0.67 डॉलर से लेकर 0.78 डॉलर के बीच में। अगर मैं आपको अपने हिसाब से बताऊं कि मेरे को क्या लगता है वीचैन के फ्यूचर को लेकर, देखो जब आप किसी भी क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करते हैं तो आप यही सोचते होंगे कि चलो शॉर्ट टर्म में तो नहीं, क्या लॉन्ग टर्म में ये मेरे को प्रॉफिट दे पाएगा। वीचैन के हिस्टोरिकल डेटा और फंडामेंटल्स को देखकर ये तो बहुत ज्यादा क्लियर हो जाता है कि वीचैन एक बहुत ज्यादा प्रॉमिसिंग कॉइन है। वीचैन अपने यूनिक आइडिया और इनके नए नए पार्टनरशिप की वजह से ये बहुत ज्यादा पॉसिबल हो जाता है कि आने वाले कुछ महीनों में वीचैन अपना ऑल टाइम हाई को टच करेगा। वीचैन में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छा टाइम है वीचैन में इन्वेस्ट करने के लिए। और जहां बात आती है मार्केट डाउन की, तो देखो आज नहीं तो कल मार्केट ऊपर जाएगा ही, लेकिन ये समय अगर निकल गया तो शायद वापस ना आए, इसलिए कह रहा हूं। बाकी मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं कि आप मेरे कहने पे कुछ भी बाय और सेल करो। कुछ भी बाय और सेल करने से पहले आप खुद रिसर्च करो, आप मेरी बातों को ऐसा रिसर्च से ले सकते हैं, नॉट अ एडवाइस। और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वैसे अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर दीजिएगा। हम मिलेंगे आपको ऐसी वीडियो में। बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम।